और जो लोग, कुछ लोग लड़ते हुए मारे गए, कुछ लोग ऐसे थे जो ना तो लड़ते हुए मारे गए ना ही भाग पाए, उनको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, जो बाद में अनुसूचित जाति कहलाए। बार बार मैं ये बात जिस मंच पे भी जाता हूं बोलता हूं। हो सकता है बहुत से लोग कहते होंगे कि गौतम जी इस बात को हर जगह क्यों दोहराते हैं। दोहराना इसलिए जरूरी है कि हमारे लोग अभी भी अपने इतिहास को ना तो जानते हैं और ना ही इतिहास को पढ़ते हैं, ना अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और इतिहास गवाह है, जो लोग अपने समाज के इतिहास को नहीं जानते वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए अपने इतिहास को समझना और जानना बेहद जरूरी है। सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई दो चार साल हम गुलाम नहीं रहे, कोई 100-200 साल भी हम लोग गुलाम नहीं रहे। हम लोग लगभग 3000 से 4000 साल गुलाम रहे हैं। इतनी लंबी गुलामी पूरे दुनिया में किसी कौम ने नहीं झेली जितनी लंबी गुलामी हमारे समाज ने झेली है। तो इतनी लंबी गुलामी झेलने के कारण क्या है? मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारी आने वाली संतान आजाद पैदा हो। मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो हमारे बच्चे भी व्यापार करें। मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारी आने वाली संतानें भी तरक्की करें। लेकिन वो कौन से कारण है कि हमारे लोग व्यापार के क्षेत्र में नहीं आ पाए? वो कौन से कारण है कि हमारे लोग पढ़ने लिखने के क्षेत्र में भी ना आ पाए? वो कौन से कारण है कि हमारे लोग तरक्की से हजारों साल तक वंचित रहे? इस बात को समझने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूं, शायद वो गायक आने से डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं कंटिन्यू रखूं, थोड़ी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन अपने समाज की बात तो करनी पड़ेगी। आज जब मैं ये सवाल मेरे मन में पैदा होते हैं, वो कौन से कारण है कि देश के अंदर जितनी खेती की योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि में हमारे समाज का कोई हिस्सा नहीं है? हमारे समाज के लोग मजदूर रहे हैं। देश के अंदर जो व्यापार है उसमें भी हमारे समाज का कोई हिस्सा नहीं है। देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे नदियों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे जंगल से होने वाला उत्खनन हो, चाहे पहाड़ों से होने वाला उत्खनन हो, तमाम तरह के खनिज पदार्थों से होने वाला, खान से होने वाला उत्खनन हो, अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, लेकिन उसमें भी हमारे समाज का कोई हिस्सा नहीं है। क्या खेत की जमीन या प्राकृतिक संसाधनों की खान, खनिज पदार्थ की खाने, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था? अगर अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, अगर वो सब प्राकृतिक है, अगर वो जमीन के सीने से निकला है, तो फिर उसमें हमारा हिस्सा कहां है, हमारा हक कहां है? इन सारे मुद्दे पे चर्चा करनी पड़ेगी। इस सवाल को मैं खोज ही रहा था लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा था। अभी एक दिन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ रहा था, यानी जो बाबा साहेब ने 1935 में एक भाषण लिखा था जाति का विनाश। 1935 में लाहौर में जाति तोड़ो मंडल ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बुलाया था भाषण देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा आने से पहले अपना भाषण लिखित में भेज दो, और उसमें सब्जेक्ट था जाति तोड़ो या जाति का विनाश। तो बाबा साहेब ने वो भाषण लिखा और लिख के वो भाषण लाहौर में भेज दिया। जब वो भाषण जाति तोड़क मंडल के पदाधिकारियों ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहेब को बुला सके। उन्होंने कहा जी आपका भाषण इतना खतरनाक है, आप मत आइए। उसके बाद बाबा साहब ने अपने उस भाषण को, जाति का विनाश, उस भाषण को एक पुस्तिका के क्षेत्र के रूप में छपवा के लोगों तक पहुंचाया। तो मैं भी उसको पढ़ रहा था, उसमें एक दृष्टांत आता है कि अंग्रेजों के समय में एक बूढ़ी महिला, बूढ़ी माता, वो तरबूज बेच रही थी बॉम्बे में। तो बॉम्बे में पुलिस ने उस बूढ़ी माँ को इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि तुम तरबूज क्यों बेच रही हो, ये व्यापार की श्रेणी में आता है।
और दलितों को अछूतों को व्यापार करने का हिंदू धर्मशास्त्र इजाजत नहीं देते। तब मुझे पता लगा, मेरे सवाल का जवाब मिला कि हमारे लोग व्यापार के क्षेत्र में क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र हमारे लोगों का व्यापार करने की इजाजत नहीं देते। साथ में मुझे इस बात का भी जवाब मिला कि हमारे लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हो पाए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे क्यों ना बढ़ पाए, हमारे लोगों के स्कूल कॉलेज क्यों ना खुले। तब पता लगा हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदुओं के धर्मशास्त्र हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते, ना पढ़ने लिखने का ना पढ़ाने का। शायद इसी वजह से शंभू ऋषि की हत्या हुई, क्योंकि वो समाज को एकजुट होकर ज्ञान बांटने की बात कर रहे थे। इसी वजह से राम ने शंभू ऋषि की हत्या कर दी कि तुम अछूत होकर ज्ञान पर चर्चा कर रहे हो। इस वजह से हमारे लोग को पढ़ने लिखने से वंचित रखा। अब सोच के देखो, अगर पढ़ाई लिखाई से ज्ञान से किसी भी जाति को दूर रखा जाए और संपत्ति अर्जित करने से भी दूर रखा जाए, फिर उस समाज की तरक्की कैसे होगी, फिर उस समाज का विकास कैसे होगा, फिर तो वो समाज गुलाम ही रहेगा ना। तो इस तरीके से धर्मशास्त्रों में लिख के, धर्मशास्त्रों के आधार पे हमारे समाज के लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते को और व्यापार करने के रास्ते को, संपत्ति अर्जित करने के रास्ते को लगातार लगभग 3-4 हजार साल तक बंदिश रखा। इस वजह से हमारा समाज इतना ज्यादा पिछड़ गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब देखा जो उनके साथ गुजरा, तो उनको लगा कि अपने समाज की आजादी के आंदोलन को मुझे लड़ना पड़ेगा। उसी समय देश में अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी जैसे बड़े बड़े कम से कम 100 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे और उनके पीछे लाखों के उनके कार्यकर्ता थे। उस आजादी के आंदोलन में तमाम तरह के औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ। उस आजादी के आंदोलन में हजारों लोगों की जान गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी हमारे समाज के दलितों की आजादी की और अधिकार की कहीं चर्चा हुई है? उस पूरे आजादी के आंदोलन में हमारे समाज के अधिकार और आजादी की चर्चा नहीं है। उसी आजादी के आंदोलन में कहीं भी देश की आधी आबादी महिलाएं, महिलाओं के भी आजादी और अधिकार की चर्चा नहीं है। तो फिर वो आजादी का आंदोलन किसके लिए था? क्या वो आजादी का आंदोलन केवल 10% लोगों के लिए था? क्या वो सिर्फ इसलिए था कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकल के 10% लोगों के हाथ में आ जाए? ये बात बाबा साहेब बारीकी से जानते थे, तभी उन्होंने भी 4000 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन छेड़ दिया और उसकी शुरुआत 19-20 मार्च 1927 के महार तालाब से, 1930 के कालारा मंदिर से, आंदोलन से, उस आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, जिसमें समता सैनिक दल के जवानों ने और पूरे समाज के युवाओं ने उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ दिया। और भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने उस आंदोलन में ना तो कोई औजार हथियार का इस्तेमाल किया, ना किसी की जान जाने दी, ना किसी को मारा, केवल अपनी विद्वता के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे, अपनी कलम के दम पे उन्होंने पूरे को पूरे समाज को 4000 साल की गुलामी से आजादी दिलाने का काम किया। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इतनी काबिलियत थी उनके अंदर कि उन्होंने बिना लड़ाई लड़े, बिना खून बहाए, बिना औजार हथियार का इस्तेमाल किए 4000 साल की गुलामी से अपने पूरे समाज को आजाद करा दिया और इस देश की महिलाओं को भी आजाद करा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख क्यों है, हमारा मन दुखी क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने लंबे हजारों साल की गुलामी से आजाद तो करा दिया, भारत का संविधान बना के हमको सबके समान भी कर दिया, रिजर्वेशन दे के हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते, हमारे नौकरी के रास्ते, हमारे राजनीति में आने के रास्ते खोल दिए। लेकिन इसी के साथ कुछ ही सालों में एक दूसरा आंदोलन बंद कमरे से शुरू हुआ, बंद कमरे से, आरएसएस जैसे संगठन के थिंक टैंक से शुरू हुआ। उनके अंदर ये चर्चा शुरू हो गई कि भी ये जो अछूत है, ये जो दलित है, ये जो शोषित पीड़ित समाज है, ये हजारों साल हमारा गुलाम रहा लेकिन कभी इसने जुबान नहीं खोली, ये काम करता रहा 18-18 घंटे, काम के बदले में इस समाज ने कभी पैसे नहीं मांगे। आज कौन सी ताकत आ गई समाज के पास, आज ये काम के बदले में पैसे मांगने लगा है। आज ये इसके खिलाफ थोड़ा सा भी मार पिटाई कर दो तो ये मुकदमा दर्ज करा देता है। हजारों साल तक हमारी मां बहनों की इज्जत लूटती रही, हम कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन जब से आजादी मिली बाबा साहब के आंदोलन के माध्यम से और हमने
जुल्म के खिलाफ बोलना सीख लिया, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो लोग बेजुबान थे, कभी बोलते नहीं थे, जो कभी आवाज बुलंद नहीं करते थे, आज उनके पास ताकत कहां से आ गई। तब उनको समझ आया कि ये ताकत इनको दो वजह से आई है। पहली ताकत कि पढ़ाई लिखाई के रास्ते खुलने से इनके ज्ञान के रास्ते खुल गए हैं, इनका दिमाग आज काम करने लगा है, आज ये लोग अपने अधिकार जान गए हैं। और दूसरा, ये जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते से तो दिमाग मिल गया, और ये जो रिजर्वेशन मिला, इस रिजर्वेशन के इनके समाज के लोगों को छोटी मोटी नौकरियां मिलने लगी। जब से इनको नौकरियां मिलने लगी, तब से ये तुम्हारे खेत पर निर्भर नहीं है, और जो तुम्हारे खेत पर निर्भर नहीं है, जो रिजर्वेशन से नौकरी में आ गया, वो आज अपने हक के लिए बोलने लगा है, वो आज लड़ने लगा अपने समाज के लिए। ये बात समझ में उनको आ गई। तभी उन्होंने सोच लिया कि अब इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते को भी बंद करना है और इनके नौकरी के रास्ते को भी बंद करना है। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट सिर्फ, लेकिन आप प्लीज कंसंट्रेट करें, या फिर मुझे बता दें, मैं अपनी स्पीच को ये रोक देता हूं, ठीक है। तो तभी उन्होंने देखा कि इस भारतीय संविधान के चलते आज रिजर्वेशन खत्म करना आसान नहीं है। इस भारतीय संविधान के चलते, प्रजातंत्र के चलते, वोट के अधिकार के चलते, आज इनके पढ़ाई लिखाई के रास्ते बंद करना संभव नहीं है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं, वहां भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, उसकी किताबों का खर्चा, उनकी वर्दी का खर्चा, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में अगर कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे परिवारों को कम से कम 20 हजार रुपया चाहिए। अब 20 हजार रुपया हमारे लोग कहां से लाएंगे? हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 20 हजार रुपया महीना नहीं है। मुझे लगता है 1% लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो जो सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनके घर में 20 हजार रुपये महीना तनख्वाह नहीं मिलती। तो 99% लोग कहां जाएंगे, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में, सरकारी में पढ़ेंगे ना। और जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती करने बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के स्तर को खराब कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना प्राइवेट स्कूल चलाने थे। और साथ ही साथ वो ये जानते थे कि सरकारी स्कूल में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वो समझने लगे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए, अगर दलितों के बच्चे पढ़ गए, अगर माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ गए, तो इनके बच्चे उनके बच्चों का मुकाबला करेंगे प्रतियोगिता में, तो उनके बच्चों का मुकाबला ना कर पाए, इसलिए जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। अब आप बताइए, एक वो स्कूल है सरकारी स्कूल जहाँ पे टीचर पढ़ाना नहीं आ रहा है, पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, और एक वो स्कूल है जहाँ बच्चे कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। उसके बाद जब नौकरी का एग्जाम होता है, नौकरी में तो कोई भेदभाव नहीं है, नौकरी में तो सबको मेरिट में आना है, नौकरी में तो कंपटीशन में पेपर पास करना है। तो अब ये बताइए, सरकारी स्कूल का जहाँ पे टीचर भी नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है, वहाँ का बच्चा कंपटीशन में पास होएगा या पब्लिक स्कूल और कन्वेंट स्कूल पे पढ़ने वाला बच्चा पास होएगा? तो उसके बच्चे का मुकाबला हमारे सरकार में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे कर पाएंगे? इस तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, इन्होंने हमारे समाज के बच्चों का पढ़ने लिखने का अधिकार फिर से छीन लिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल को कमजोर कर दिया। और इस हद तक कमजोर कर दिया कि पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकारी स्कूल, क्या देश के अंदर जनसंख्या कम हो रही है? अगर जनसंख्या कम नहीं हो रही है तो फिर स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? जनसंख्या बड़ी है तो स्कूल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं और पब्लिक स्कूल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के रास्ते को इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने बंद कर दिया। तो एक तरीके से तो इन्होंने हमारे समाज के विकास के रास्ते को, पढ़ाई के क्षेत्र को बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में आ जाया करते थे, उन सरकारी नौकरियों में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, आउटसोर्स कर दिया, अब ठेके पे भर्ती हो रही है, और ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन नहीं है, तो हमारे लोगों को नौकरियों में आने का रास्ता भी इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। और केवल फोर्थ क्लास की नौकरी नहीं, क्लास 1 तक की नौकरी पे ठेके पे भर्ती हो रहे हैं। अभी तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेटेस्ट बिना एग्जाम दिए, बिना सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किए, 9 IAS बनाए, 9 जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में इन्होंने बनाए, 9 में से एक भी SC समाज का नहीं है, एक भी ST समाज का नहीं है, एक भी OBC का नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती हुई है बिना एग्जाम पास किए। 9 लोग ठेके पे,
डायरेक्ट इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाए हैं। डायरेक्टर भर्ती होने बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट ठेके पे। तो इस तरीके से इन्होंने सरकारी नौकरियों में आने के हमारे रास्ते को बंद करके आउटसोर्स करके ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे समाज के लोग, चूंकि खेती की भूमि हमारे पास नहीं है, उद्योग धंधे में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हम लोग बिजनेस में कहीं भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमारी जो तरक्की थोड़ी बहुत हुई थी वो शिक्षा के रास्ते से होते हुए आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरी की वजह से हुई है। लेकिन उन्होंने हमारे शिक्षा के रास्ते को भी छीन लिया, हमारी सरकारी नौकरी को भी छीन लिया। अब बताइए हमारे समाज के बच्चों का क्या होगा, हमारे समाज का विकास कैसे होगा, इस पे गंभीरता से सोचिए। अगर हम चुप लगाए रहे, अगर इसी तरह चुप बैठे रहे तो पता लगेगा धीरे धीरे हमारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने छिन गया। और दुख की बात तो यह है कि ये पिछले 30 सालों में छिना है। इस 30 सालों में क्या हमारे संसद के अंदर एमपी नहीं थे, संसद सदस्य नहीं थे क्या? संसद सदस्य तब भी थे हमारे, मंत्रीगण तब भी थे हमारे, विधानसभाओं के अंदर तब भी एमएलए थे हमारे, उन्हीं की आंखों के सामने हमारे समाज का सब कुछ छिन गया, हमारे समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य छिन गया, अंधकार में कर दिया। लेकिन हमारे एमपी एमएलए सब लोग चुप बैठे रहे। लानत है ऐसे एमपी एमएलए इस पर। रिजर्वेशन से जीत के तो जाते हैं लेकिन समाज की आवाज को नहीं उठाते, समाज के मुद्दों पर नहीं लड़ते, ऐसे ऐसे नेताओं पर लानत है। आज समाज को जगना पड़ेगा, आज समाज को ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो मिशन मूवमेंट से निकल के, जमीन से निकल के, आपके बीच से निकल के नेता बने, ताकि वहां जाने के बाद आपकी आवाज को बुलंद कर सके। वरना तो इसी तरह हमारे लोग एक एक करके मरते रहेंगे, इसी तरह हमारे समाज का शोषण होता रहेगा, इसी तरह हमारे समाज के विकास के रास्ते बंद होते रहेंगे। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, कंपटीशन का समय है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी करें, चाहे थोड़ा कम खा लें, कपड़े थोड़े कम सिलवा लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। हमारा रास्ता विकास का केवल पढ़ाई के रास्ते से शुरू होता है और पढ़ाई के रास्ते पे ही जाके खत्म होता है। कोई दूसरा रास्ता हमारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बाकी साधन हमारे पास नहीं है, हम साधन विहीन है। बिना साधन के तरक्की करना मुश्किल है, बिना साधन के तरक्की का रास्ता केवल एजुकेशन है। तो प्लीज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, समाज को एकजुट कीजिए। और ये जो इन लोगों ने हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया, क्योंकि जब भारत में अंग्रेज आए बस एक एक मुश्किल से दो मिनट और से, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर लगभग पूरी दुनिया को 525 साल पहले सिख धर्म मिला, पूरी दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम धर्म मिला, पूरी दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, पूरी दुनिया को लगभग 2500 साल पहले बौद्ध व जैन धर्म मिले, और पूरी दुनिया को लगभग 4000 साल पहले सनातन धर्म मिला। इससे पहले तो कोई धर्म नहीं था, इससे पहले तो कोई जातियां भी नहीं थी, यानी कि हम सब इंसान हैं, हम सब मूल निवासी हैं, हमारा सब कुछ इना है। तो ये जो छोटी छोटी जातियों में हमें इसलिए बांटा क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी। हम लोग सुनते हैं 85% 85%, लेकिन 85 एकजुट कब होगा? कोई रैगड़ है, कोई बैरवा है, कोई चमार है, कोई बाल्मीकि है, मतलब इतनी छोटी छोटी जातियों में, इतने टुकड़ों में हम बटे पड़े हैं। और लड़ाई हम जिनसे लड़ रहे हैं बेशक से वो 15% है, हम 85 हैं, लेकिन क्या हम एकजुट हैं? क्या हम लोग एक दूसरे रोटी पेटी करते हैं, रिश्ता करते हैं? मुझे लगता है हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और अगर कोई पूछे तुम्हारी जाति क्या है तो बोलो, गर्व से बोलो, मैं हूं अंबेडकरवादी। अगर कोई बोले तुम्हारी जाति क्या है तो गर्व से कहो, मैं हूं अंबेडकरवादी। इसलिए पुणे में नारा दे रहा हूं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मैं हूं अंबेडकरवादी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध है। आप सबको पुणे बाबा साहेब की 128वीं जयंती पर शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।